साहस सरोकार। परिजनों ने 3 साल तक महिला को किया कैद, महिला को किया वशीकरण में, आजाद होकर महिला पहुंची पति के पास। पिपरी नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी, युवाओं ने निकाली बाइक रैली। 74वां मंडलीय पीआरडी स्थापना दिवस समारोह संपन्न, प्रतिभागियों को अंग प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित। महिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, बिना जांच किए किया प्रसूता का ऑपरेशन। नगर निगम में टेंडर प्रक्रिया का हुआ खुलासा, नगर आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ के चिन्हट में बड़े लोहा व्यापारी की दुकान पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने रेड मारी, तो वहीं छापेमारी के दौरान व्यापारियों का जमावड़ा लग गया। व्यापारियों के पास से 340 टन सरिया का स्टॉल मिला है। इस दौरान आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता, लखनऊ लोहा व्यापार मंडल के अध्यक्ष विशाल अग्रवाल मौके पर मौजूद रहे। इस पर व्यापारी नेताओं ने कहा कि छापेमारी का विरोध नहीं किया जा रहा है, लेकिन व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर आजमगढ़ से है, जहां की सुखदेव पहलवान स्टेडियम ब्रह्मस्थान पर युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग जनपद आजमगढ़ का 74वां मंडलीय पीआरडी की स्थापना दिवस समारोह संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज रहे। जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी ने बताया कि तीनों जनपद आजमगढ़, मऊ, बलिया से 33-33 पीआरडी जवान, जिसमें महिला भी शामिल थी, प्रदेश में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अंग वस्त्रम प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। पीआरडी स्थापना दिवस आज स्पोर्ट स्टेडियम ब्रह्मस्थान आजमगढ़ में आयोजित किया गया था, जिसमें तीनों जनपदों आजमगढ़, मऊ, बलिया से 33-33 पीआरडी जवान, जिसमें महिला भी सम्मिलित थी, प्रतिभाग की, जिसमें परेड में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। महत्वपूर्ण भूमिका है ग्रामीण अंचलों में हमारे जो हमारा युवा वर्ग है, उसको खेलकूद की ओर प्रोत्साहित करना और अनुशासन के प्रति उनको और आकर्षित करना। और पीआरडी हमारे जो स्वयंसेवक जवान हैं, वह कानून व्यवस्था और पुलिस के साथ मिलकर यातायात व्यवस्था इत्यादि सारे महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी एक अति महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। खबर सोनभद्र से है, जहां पूर्व अध्यक्ष कुबेर नाथ सिंह के नेतृत्व में युवाओं ने बाइक रैली निकाली। रैली रेलवे स्टेशन से होकर सभी 12 वार्डों से होती हुई नगर में कार्यकर्ता को शामिल करती हुई 300 बाइकों के साथ पिपरी चौराहे तक गई, जिसमें जगह जगह मुख्य चौराहों पर रुककर नगर वासियों को पूर्व में किए गए कार्यों से आमजन को जागरूक कराया गया। खबर कानपुर से है, जहां नगर निगम में टेंडर प्रक्रिया में बड़ा खेल सामने आया है। बता दें कि शहर में लगातार बढ़ रहे AQI वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए 15वें वित्त आयोग में 144 करोड़ के बजट को पास किया गया, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों ने करोड़ों का घोटाला किया है। वही मामले को देखते हुए नगर आयुक्त ने जाँच के आदेश दिए हैं। खबर कुशीनगर से है, जहां सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पंडोखोर के पीठाधीश्वर गुड़सरण
शर्मा के विरोध में यात्रा निकाली गई और इस दौरान जमकर विरोध करते हुए पुतले भी फूंके गए। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह मंडल से गुरु शरण शर्मा के खिलाफ आवाज उठी, जिसमें भगवती मानव कल्याण संगठन के संस्थापक श्री शक्तिपुत्र महाराज जी का निर्देशन में कार्य करते हुए समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान बना रहा है। देश में कोई भी गद्दार धर्म के नाम पर लूटने वाले हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने वाले को पुरजोर विरोध करता है। आज उत्तर प्रदेश तथागत महात्मा बुद्ध की धरती से गुरु शरण शर्मा जो पंडोखर धाम पर बैठा हुआ है, उसके द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति को तार तार किया जा रहा है, नारियों का अपमान किया जा रहा है, हमारी देवी देवताओं को पैर की जूती साफ करने वाला कहा जा रहा है, धर्म के नाम पर भोली भाली जनता का शोषण किया जा रहा है। और आज भगवती मानव कल्याण संगठन उसका पुरजोर विरोध करता है। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा कोडियागंज की निवासी युवक की मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई थी, जिसके बाद विवाहिता के परिजनों ने वशीकरण कराकर 3 साल तक महिला को कैद कर लिया, जिसके बाद महिला आजाद होकर पति के पास पहुंची और दोनों दंपत्ति ने मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मेरे घर वालों ने ऐसी रख लिया मुझे कुछ करा के, फिर मैं आ गई। आपकी शादी कहाँ हुई थी? तालेसपुर। किसके साथ हुई? निजाम। कितने दिन पूर्व हुई? 4 साल पहले हुई थी। 4 साल पहले? हाँ। अच्छा, क्या विवाद हुआ था आपने, क्या बात हुई, पूरी बात बताइए। मतलब इनका पैर कट गया, उसके बाद में ये बोल रहे कि रहने न देंगे हम, वो कमा कर नहीं खिला पाएगा, विकलांग। कौन कह रहे थे? घर वाले कह रहे थे, मेरा मम्मी। हमारे घर वाले? मेरे मम्मी पापा। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में उन्होंने, मैं नामानी बात करती रही बराबर, आपको रोक लिया था वहाँ? रोक लिया, कुछ करा के ही रोका उन्होंने। हाँ। फिर उसके बाद में कुछ करा दिया, मुझे रोक लिया। अब मेरा कराना धराना खत्म हुआ, मैं सबरे घर न मारी, मैं आ गई। 11 बजे घर से निकाल दिया। तो मैं घर से निकाल? हाँ। दिया। उसके बाद निकाला था अम्मी पापा ने, निकाला घर वालों ने। अच्छा। ऐसा हुआ, मैं काम पे गया था, ये अपना अपनी घर, इसकी ये घर पे चली गई, इसके घर वाले लेके बुला गए जबरन जी। तो इसके संग में पता नहीं क्या कराया, तो ये चार साल रोक ली। तो फिर ये अब ये 4 साल बाद आई, तो ये मारपीट करी इसके घर वाले ने, सबन ने घर से निकाल दी। हाँ, इसका भैया चाकू लेके भागा इसके पीछे। अच्छा, तो आपको ये कहाँ मिली? ये मिली थी मुझे यहीं पे छड़ाडे के नीचे। किसके यहाँ? यहाँ पे क्या नाम है, ये बुढ़िया है जाटा की। अच्छा, वहाँ मिली थी। तो ये कब आई आपके पास? हमारे पास ऐसी आई हैं तकरीबन हो गए 4-5 दिन हो गए। खबर सुल्तानपुर से है, जहां शादी के 4.5 साल बाद विवाहिता ने 3 साल की मासूम बेटी के साथ आग लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की जानकारी होने पर एसपी सोमेन वर्मा मौके पर पहुंचे और मामले में जांच की, जिसके बाद मां और बेटी के शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए जलाकर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। थाना कादीपुर क्षेत्र में सूरापुर कस्बे से सूचना मिली थी पुलिस को कि एक महिला और उनकी 3 साल की बच्ची चली हुई मिली है। पुलिस उस सूचना में यहाँ पर तत्काल पहुँची, पता चला महिला के नाम लक्ष्मी है, 4 साल पहले इनकी करीब करीब शादी हुई है। इस संबंध में बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जो छोटी बच्ची थी वो इन्हीं की बच्ची थी। बाद में मृतका का परिवार द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई कर रही है। जहां एक तरफ सरकार मरीज के बेहतर इलाज के लिए अरबों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गोंडा जिले के जिला महिला अस्पताल में प्रसूता की बिना कोई जांच किए ऑपरेशन कर दिया गया, जिसके बाद देर रात को महिला की तबीयत बिगड़ने से, तबीयत ज्यादा सीरियस होने पर भी नर्सों ने परिजनों को नहीं बताया और प्रसूता का इलाज करने के बजाय उसे रेफर कर दिया, जबकि मरीज के तीमारदार बार बार कहते रहे कि प्रसूता का इलाज यहीं पर किया जाए।
परसों यहाँ एडमिट कराए हैं और कल ऑपरेशन हुआ है 12:30 बजे लगभग। 12:30 बजे ऑपरेशन हुआ, आज लगभग 2 बजे के करीब मरीज़ परेशान होने लगा, हाथ पैर पटकने लगा और बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगा। हम लोग नर्स के पास गए, नर्स वहाँ आई लेकिन वो हमसे बार बार एक ही बात बोल रही हैं कि आप साइन बनाए आप बाहर लेके जाएँ, आप साइन बनाए आप बाहर लेके जाएँ। जिस मरीज़ का टाँका लगा हुआ है और कल जिसका ऑपरेशन हुआ है, अगर वो टाँका टूटता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें यहाँ से भेजा गया जिला अस्पताल, हम वहाँ पे गए डॉक्टर को पता करने के लिए, बुलाने के लिए, वहाँ पता लगा 3 दिन के डॉक्टर छुट्टी पे हैं। यहाँ जो नर्स हैं उनको कुछ आता जाता नहीं है, जो यहाँ मैडम जो मेन होंगी वो गई हैं, उनको जानते भी नहीं वो कहाँ की हैं, मेन हैं कौन सी हैं, मोटी मोटी मैडम। उन्होंने कहा कि सिर्फ साइन बनाइए, आगे हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं।